अस्सलाम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख नाव और लद्दाख नाव का खास एपिसोड संडे स्पेशल लेके मैं हूं आपका मेज़बान फिरोज खान। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं करगिल के खिज़ुल खान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम में और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे करगिल का वाहिद ऐसा पार्क है जिसे लोग बुलबुल पार्क के नाम से जानते हैं। बुलबुल पार्क के अंदर चलते हैं, क्या कुछ चहल पहल आज संडे को लेकर यहाँ पे देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या कुछ खास संडे के मौके पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलते हैं बुलबुल पार्क के अंदर। मोहम्मद इलियास जिया बर्सनिन चनगा तो ग्रीनडी बुलबा खोर मोसिना चनगा शिकता मन उत्पन्नगा शिखोर मोसिनाना जियांग मना काफी मतलब इंप्रूव है ज्यादा तंदुक नाता चा जवाना की जियांग काफी फ्रू यों दुखा खोंग या का खेल छीना जा बैडमिंटन छीना या छीना का बनखो मतलब ध्यान उक यांग स्पेक्स ता यों दुखा का तुलनी से हल्का प्लेयर मतलब प्ले फील्ड से क्षमा जरूरी रुपया तो ना यंग बाकी यंग से यंग लोग जैसे कि नाती जी मतलब यंग पुल लोग जान छुमा में तो बिल्कुल मस्त कम बहुत जक्स लोग अच्छा ना तो ना था कि चौस पचारी ना जान दमिक बसे दिया मतलब हाजी दिया मतलब दमिक बसे पार ची चौस पचारी ना छी कांसे दमिक बसे चार जरूरी लोग फवारा लोग बाकी दोनों गांव में ना मतलब दचवा मतलब चेस में जाग दुख छू मा माता मा दिया कुश्ती दे निशान का तो काफी इंप्रूव हो मिजाजी दुख है मतलब चीज रे सफाई को लेकर क्या है सफाई ना मतलब रे नाती मतलब माहौल पंदा सुशील दाम दुख की मतलब गा चीज के योर ना मसा चा पाग वर्क चेंज से कम तंग से दुख है मगर ना खुदी मतलब नाते संग मतलब यू से खास बान इंदु दो ना तंग ना जा परेशान की मतलब गा गया। नाज़रीन, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, आज करगिल का वाहिद ऐसा पार्क है जिसे लोग जल खातून के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ यहाँ की खूबसूरती अपने आप में ही काफ़ी ख़ास थी जब ये शुरुआती दिनों में बना था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसकी जो हालत है वो बस से बदतर यहाँ पे देखने को मिल रही है। जहाँ एक तरफ बच्चे इसे ग्राउंड बना के खेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि अगर इस पार्क की जगह में कहीं और जगह पे बच्चों के लिए अलग से स्पेस दिया जाए तो वो आराम से वहाँ पे खेल कूद सकते हैं और इसके साथ साथ बाकी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं खास चीज़ यहाँ पे जो कुछ ही अर्सा हो चुका है जिस चीज़ को लगाया हुआ, यहाँ पे एक ओपन जिम यहाँ पे लगाया गया है जिसे हम आपको दिखाएंगे कि इस जिम का हाल अभी कैसा है और किस तरह यहाँ पे लोग इस जिम का मजा ले रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद देव रजा है और मैं यूपी का हूँ। मैं यूपी से यहाँ को काम करने के लिए आया था, यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सुना कि करगिल के अंदर जो एक मशहूर जगह है, तो उस मशहूर जगह का नाम जो है वो बुलबुल पार्क है। लोगों से मैंने काफ़ी सुना था
लोग इसकी बहुत तारीफें कर रहे थे कि माशाल्लाह बुलबुल पार्क है जैसे, जो कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे देखने को मिलती है। फिर मैं एक दिन, आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, मगर उसके साथ साथ में यहाँ पे मुझे कई चीज़ की कमी नज़र आई। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जिससे गंदगी के माहौल है, डस्टबिन वगैरह का मैं दूसरा सैंपल के तौर पर यहाँ पे फुहारा की कमी है, और तीसरा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको गिना नहीं सकता। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, और हर चीज़ की फैसिलिटी है, मगर अगर कुछ इसमें फैसिलिटी बढ़ा दी जाए तो ये काफ़ी शानदार देखने का नज़ारा होगा। घूमने के लिए थोड़ा जाएंगे तो फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा देखते हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा माहौल ठीक नहीं है, ये गंदगी बहुत है, बहुत सारा मतलब बैठने की जगह नहीं है अच्छी खासी, और हो सके तो इसको बढ़िया करके बनेगा तो यहाँ दुनिया आएगी और अच्छा ये काम चलेगा यहाँ पे, तो बढ़िया तरक्की हो जाएगी यहाँ पर करगिल में। तो मैं कहता हूँ कि आप जो है इसको यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरीके से बनवाएँ, अच्छी तरीके इसको थोड़ा सजाएँ ताकि यहाँ पे लोग आए और आके थोड़ा यहाँ पे मज़ा लें, मतलब पार्क। नाज़रीन अभी आप देख रहे थे लद्दाख नाव, और आज का जो हमारा पहला एपिसोड था संडे स्पेशल में, आज हमने कोशिश की कि आपको करगिल का वाहिद जो इकलौता पार्क है जिसे इरगिल खातून के नाम से जाना जाता है, उस पार्क को दिखाने की कोशिश की। उस पार्क के अंदर हम गए जहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ग्राउंड के अंदर फुटबॉल और वॉलीबॉल खेल रहे थे, और इसके साथ साथ कुछ लोगों से भी हमने बात की। लोगों का कहना है कि इस पार्क के अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जो चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमने जहाँ पे जो गेट था वहाँ का, वो काफ़ी ख़राब है, लोगों की ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो गेट है उसे यहाँ पर चेंज कर दिया जाए। अब देखना यह है कि हमारे इस वीडियो के थ्रू आने वाले वक्त में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किस तरह का स्टेप यहाँ पे लिया जाएगा। अगले हफ्ते और किसी ख़ास टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन नफीस को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।